हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल हेयर ऑन दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म ऑफ स्पार्कॉर्प आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अगर मैं बात करूँ सी बी एस सी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बच्चों काफ़ी ईजी वे में आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो शुरू करते हैं बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे जेनेसिस का मतलब तो हम लोग जानते हैं फॉर्मेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमट्स सो यहाँ पे स्पर्मेटो की स्पर्मेटो मीन स्पर्म की बात हो रही है तो जब स्पर्म फॉर्मेशन की बात हो रही है तो दैट मीन्स इट को बोल इसको इसी को बोला जाता है स्पर्मेटो जेनेसिस बच्चों हम लोग सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस कर लेते हैं बहुत बार ये टर्म हम यूज़ करते हैं स्पर्मेटोजेनिस मतलब क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस का द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज स्पर्मेटो एग uh, uh, मतलब जो कहाँ होता है फीमेल्स की बॉडी के अंदर होता है तो ये तो था कि स्पर्मेटोजेनिस क्या है ओजेनिस क्या है आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्पर्म फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनिस का जो पूरा का पूरा प्रोसेस uh, है उसको डिटेल में समझेंगे इसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं उन दोनों पार्ट्स को दोनों फेजेस को भी समझेंगे हम डिटेल में बच्चों सबसे पहले मैं आपको रफली बता देती हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ पे होता है आ, हमें ये बात तो पता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बच्चों वो कहाँ होता है टेस्टीज में होता है मेल टेस्टीज़ में होता है तो मेल टेस्टीज के अंदर सेमनी फेरेस्टिब्यूल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये जर्म सेल्स प्रेजेंट है ये जर्म सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और यही मल्टीप्लीकेशन आगे जाके क्या बनता है स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बनता है तो मैं यहाँ पे जर्म सेल्स बना देती हूँ मैं यहाँ लिख देती हूँ ये जर्म सेल्स है जर्म सेल्स ये जर्म सेल्स अपने आप में मल्टीप्लाई होते हैं बच्चों ये जर्म सेल्स अपने आप में मल्टीप्लाई होंगे और नए सेल्स बनाते हैं अपने जैसे तो इन बच्चों इनको हम लिख देते हैं टाइप ए और टाइप बी ये दो टाइप के सेल बनेंगे टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम जो टाइप ए होंगे बच्चों ये क्या करेंगे आगे भी जाके ये सेम अपने जैसे बनाएंगे जस्ट लाइक स्टेम सेल्स जैसे स्टेम सेल्स होते हैं जस्ट ये मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोसेस कौन सा होगा जिससे मल्टीप्लाई करते हैं माइटोसिस माइटोसिस अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं टाइप बी जो है बच्चों ये आगे मियोसिस परफॉर्म करते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं आगे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं हम डिटेल में यही पढ़ेंगे टाइप बी हम पढ़ेंगे जो आगे जाके स्पर्म बनेंगे और टाइप ए जो है वो बहुत अपने जैसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम आगे बनाते रहेंगे तो बच्चों इतना आपको आई थिंक क्लियर है जर्म सेल्स हमने पढ़े जर्म सेल्स अपने आपको मल्टीप्लाई करते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम तो आ, वो आगे जाके अपने जैसे ही बहुत सारे मना लेते हैं सेल्स और ये आगे जाके प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम वो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम में आगे जाके डिवाइड होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बच्चों जो मैंने आपको बताया एक बार आप फिर से देख लीजिए टाइप ऑफ जर्म सेल्स जिसकी मैं बात कर रही थी ये आपका हो जाएगा टाइप बी और ये आपका टाइप ए मैं इंक चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर रहे बच्चों टाइप बी की मैं बात करूं अगर टाइप बी जो है बच्चों ये वाले जो सेल है टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम ये क्या करते हैं ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो होगा ये फर्स्ट फेज होगा बच्चों स्पर्मेटोजेनसिस का हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजें की पहली जो स्टेज स्टेज है बच्चों वो है मल्टीप्लीकेशन फेज पहला कौन सा है मल्टीप्लीकेशन फेज इसमें क्या है स्पर्मेटोगोनियम जो सेल्स हैं ये अपने आप को कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं ये अपने आप को और अपने जैसे ही एडिशनल स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं तो अगर यही स्पर्मेटोगोनियम uh, आगे सेम स्पर्मेटोगोनियम बनते रहेंगे तो ये टाइप ए हो जाएगा बच्चों टाइप ए हम लोग टाइप बी पढ़ेंगे डिटेल में क्योंकि वही जाके आगे स्पर्म बनाते हैं तो ये देखिए बच्चों अभी डिप्लॉयड सेल्स हैं ये डिप्लॉयड सेल्स हैं और इसमें जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि माइटोसिस से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसके बाद बच्चों यहाँ से देखिए नेक्स्ट जो फेज होता है वो होता है ग्रोथ फेज ग्रोथ फेज में स्परमेटोसाइड क्या करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइज अपने साइज को इंक्रीज करता है साइज इंक्रीज होगा बच्चों साइज इंक्रीज होगा इसका ग्रोथ फेज में ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है उसके बाद क्या होगा आगे चलते हैं बच्चों देखिए इसके बाद जो ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोसिस वन में पार्ट लेता है मियोसिस वन क्या है रिडक्शनल डिवीजन है रिडक्शनल डिवीजन है इससे क्या होगा इससे जो है ये देखिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा आगे जाएंगे तो हम देखेंगे 20 46 की जगह हाफ हो गया तो हाफ हाफ जेनेटिक मटेरियल हाफ हो गया तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ मेयोसिस वन हुआ प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे कन्वर्ट हुआ मेयोसिस वन हुआ जिससे क्या हुआ जो ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये हाफ हो गए हैं जेनेटिक मटेरियल हाफ हो गया है आगे देखेंगे तो फिर से फर्दर डिवीजन हो रही है जिसमें

नेक्स्ट मियोसिस टू होता है वही सेल चार स्पर्मेटेड्स में डिवाइड हो जाते हैं तो चार स्पर्मेटेड्स बन जाते हैं यहाँ तक तो बच्चों हमारा हो गया है मैचुरेशन फेज खत्म जिसमें हमारे जो सेल्स हैं वो कौन से सेल्स हैं वो हैप्लोइड सेल्स बन गए हैं। हैप्लोइड सेल्स हैं अब क्या है बच्चों इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो ये जो स्पर्म है स्पर्मेट्स स्पर sperm में कन्वर्ट होंगे बट इसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक बच्चों फेस आता है जिसमें ये जो स्पर्मेटेड्स हैं अपने आप को स्पर्म में कन्वर्ट करते हैं अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाते हैं तो आप देखें आप देखेंगे बच्चों तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए ये जो है इनकी शेप जो है वो ओवल है राउंड है सर्कुलर से शेप है सर्कुलर से ये आप देखिए सिलेंड्रिकल या फिर आप कहेंगे इनकी बिल्कुल शेप ही चेंज हो गई है तो उस शेप को चेंज होने के लिए या फिर मोटाइल है देखिए ये देखिए नॉन मोटाइल था पहले स्ट्रक्चर नॉन मोटाइल मतलब जो अपने आप से मूव नहीं कर सकता ये नॉन मोटाइल से मोटाइल स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस को मैं अलग से फिर से एक बार आपको डिटेल में बताऊंगी आई थिंक इतना बच्चों जो हमने पढ़ा अभी तक आपको ये क्लियर होगा एक बार मैं फिर से बता देती हूँ पहले हमने मल्टीप्लीकेशन फेज पढ़ा उसके बाद ग्रोथ फेज पढ़ा जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइड अपन, अपना साइज इंक्रीज करता है इसके बाद मैचुरेशन फेज पढ़ा हमने और एंड में स्पर्मियोजेनेसिस हमने हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो ये तो था बच्चों डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अब हम बात कर लेते हैं कहाँ पे ये अकर होता है तो देखिए यहाँ पे बच्चों यहाँ पे टेस्टीज़ ह्यूमन मेल की टेस्टीज हैं जिसके अंदर एक कोईल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं सैमनी फेरिस ट्रिब्यूल हम बोलते हैं सैमनी फेरिस ट्रिब्यूल को अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखते हैं जूम इन करके तो हमें ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है ये जो बच्चों स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर है बच्चों तो इसमें मैंने जो आपको जर्मिनल सेल्स बताए थे यहाँ से बताया था जो मैंने बताया था आपको एक डायग्राम बना के ये जर्म सेल्स पहले डिप्लॉयड होते हैं फिर माइटोसिस होता है माइटोसिस के बाद क्या बनता है बच्चों माइटोसिस के बाद बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है

ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर इवेंट्स इन लाइफ ऑफ अ स्पर्म स्पर्म की जो लाइफ है उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझाया है बच्चों जिसमें हमने माइटोसिस और मियोसिस माइटोसिस मतलब वो अपने जैसे बहुत सारे सेल्स बनाते हैं उनमें से कुछ सेल आगे मियोसिस परफॉर्म करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनाते हैं फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनाते हैं फिर स्पर्मेटेड्स बनते हैं ये सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सीक्वेंस का क्वेश्चन भी आ जाता है डायरेक्ट तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए में बाद हमारे स्पर्म्स बनते जिनको बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस में बच्चों क्या होता है मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म स्पर्मेटेड से स्पर्म जब कन्वर्ट होता है तो उसको बोला जाता है हमारा उसको बोला जाता है बच्चों कैपेसिटेशन उसको बोला जाता है उस टर्म को बोला जाता है कैपेसिटेशन तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसके अलावा स्पर्मेटो जेनेसिस या फिर स्पर्मेटोजोआ बनना कब स्टार्ट होता है एक मेल की लाइफ में सो व्हेन ही रीचेज एट द पिबर्टी जब वो पिबर्टी पर रीच होता है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कितने स्पम्प्स पर डे बनते हैं तो थर्टी इंटू टेन रेस पावर सिक्स स्पम्प्स पर डे बनते हैं और ये बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेटा दिया हुआ है जिससे ट्वेंटी त्वे, त्वे, टू हंड्रेड मिलियंस पर मिलीमीटर ऑफ इजेक्ट ओके आगे चलते हैं बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस जब हम पढ़ते हैं तो जो लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे हमारे ये जो स्पर्मेटेड्स हैं ये स्पर्मेटेड जब स्पर्मेटोजुआ में चेंज होते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियो

हमारा एक्सेस साइटोप्लाज्म हट गया है सो नो एक्सेस साइटोप्लाज्म कोई एक्से कोई एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म नहीं है एक्सेस साइटोप्लाज्म रिमूव हो गया नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या हो गया है ये स्पाइरल एंड रिबन शेप्ड, रिबन शेप अब गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर और देखिए गोल्जी एपेरेटिस जो है बच्चों गोल्जी एपेरेटिस वो किसमें चेंज हो गया गोल्जी एपेरेटिस एक्रोसोम बना देता है एक्रोसोम पार्ट ऑफ द स्पर्म तो एक्रोसोम बना देता है और एक बन जाता है गोल्जी रेस्ट जो बाद में डिजनरेट हो जाता है गोल्जी रेस्ट ये बाद में डिजनरेट हो जाता है इसके अलावा बच्चों और क्या देखने को मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो देयर और साइटोप्लाज्म जो भी है बच्चों वो यहाँ टेल में होता है तो ये था हमने जो पढ़ा में क्या क्या होते हैं। जब से जब बनता है, तो बच्चों क्या क्या चेंजेस बच्चों इसमें होते हैं आगे हम लोग एक बार फिर से मैं पूरा का पूरा आपको प्रोसेस समझा देती हूँ बच्चों हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करा था यहाँ से हम लोगों ने जर्म सेल्स पढ़े थे उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया था उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पड़ा फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आया उसके बाद स्पर्मेटेड्स बनना कैसे बने और से स्पर्मेटोजोआ कैसे बना तो ये बच्चों डायग्राम एनसीआरटी में भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये इसमें बीच में आप गोलजी अपराट माइट्रोकॉन्ड रहे जो कि बाद में अपने सारे के सारे इन सब का भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और ये आ, स्पर्म में कुछ ना कुछ पार्ट बनाने में हेल्प करते हैं तो बच्चों अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस अभी हमने डिस्कस किया है प्रोड्यूसिस तो स्पर्मेटो हमारा जो sperm, स्पर्मियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उससे क्या बनता है बच्चों तो ये फर्स्ट जो थ्री पार्ट्स हैं इनसे क्या बन रहा था जो फर्स्ट थ्री पार्ट्स हैं इनसे हम लोगों ने देखा था क्या बन रहा था ये स्पर्मेटोजेनेसिस में थे लास्ट में हमने पढ़ा था स्पर्मियोजेनेसिस तो so, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी डी इसका आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस सो मैंने अभी आपको बताया था बच्चों ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है ये फर्स्ट ऑप्शन तो ऑब्वियसली रॉन्ग होगा थर्ड सी भी रॉन्ग हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया बी एंड सी में लग रहा है इसके बाद स्परमेट स्पर्मेटेड बच्चों इसके बाद नहीं आते हैं इसके बाद स्पर्मेटोसाइट्स आते हैं पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है फिर स्पर्मेटोसाइट्स होता है प्राइमरी सेकेंडरी उसके बाद स्परमेट्स बनते हैं और एंड में स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्परमे spermat... मरमेटोzoa बनता है तो इसका आंसर विल आल्सो बी डी इसका आंसर भी डी रहेगा बच्चों डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द एक्चुअल जेनेटिक सेक्शन ऑफ द स्पर्म इज इन तो जेनेटिक सेक्शन कौन सा होगा तो हमने अभी देखा था हेड हमने रीजन पढ़ा था जिसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है तो आंसर हो जाएगा डी हेड जिसके अंदर क्या है हमारा डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर सो डी विल बी द राइट आंसर सो स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक के ऊपर और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है थैंक यू सो मच